हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे आप निकालते हो। ठीक है, तो पहले देखिए क्वेश्चन में एक नोट किया कि एग्जांपल वन यहां मान लें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 221 131 122। आपसे कहा गया इसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालो। देखो आइगन वैल्यू को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कह सकते हैं, लेटेंट रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक स्पेस इस तरह से बोला जा सकता है। पहले हम आते हैं इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे। देखो यहां से सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां से सबसे पहले हम इसमें ए माइनस लैम्डा आई निकालें। ए हमारे पास है, उसका मॉड ले लें, डिटरमिनेंट सॉल्व करें। तो देखो लैम्डा आई आएगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा, इतना लिख लिया आपने। तो लैम्डा आई सबको पता है कि ए मैट्रिक्स ये थी, माइनस करेंगे लैम्डा आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो लैम्डा डायगोनली आ जाएगा, डायगोनली यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। अब इसको डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करें, डिटरमिनेंट को सॉल्यूशन इस तरह से करना, लिखा है 2 माइनस लैम्डा इन 2, इसको उसको मल्टीप्लाई करो। यहां देखो लिखा हमने कि 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2। ठीक है, इतना लिख लिया। माइनस टू इंटू करोगे तो आएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 जब करेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा, इतना लिख लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व करो आप, 2 माइनस लैम्डा, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। देखो यहां लिखा है माइनस लैम्डा, ये लिखा माइनस लैम्डा प्लस वन लैम्डा माइनस वन आ गया, और इसको थोड़ा और सॉल्व करें। देखो ये आ गया 2 माइनस लैम्डा, चलो बाहर रहेगा, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 4, यहां पर आ गया +2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 1। और सॉल्व करो, देखो इसको 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 8, -λ³ प्लस 5λ² - 4λ, इनको इनको ऐड कर लो, 3λ - 3 आ गया। अब पूरी इक्वेशन जरा बनाओ, देखो यहां पर क्या बना, -λ³ बना। ठीक है, -λ³ λ² की टर्म देखो आप लिखे, +7λ² बन गया। इसके बाद देखें ये बना -11λ बन गया। ठीक है, जो माइनस इसके बाद था +8 माइनस 3, यानी कि +5 बन गया। देखो इसको हम ए माइनस लेमडा का मॉड निकाला, इसको लिख लिया, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है, इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना लिख लेंगे। और अच्छा, अब अगर कहें आपसे कि इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तो सीधा लिखो जो भी इक्वेशन लिखा गया है, इसको हम लिख सकते थे -λ³ 7λ² - 11λ + 5 = 0। तो ये कहलाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कभी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये -λ² का मॉड लेकर के आप सॉल्व कर लें। अच्छा, अब देखो हो क्या होगा, अगर ये इक्वेशन मिल जाएगी तो लैम्डा की जो भी वैल्यूज यहां पर निकलेगी, लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे, और आपको साफ दिख रहा है कि जो इक्वेशन यहां लिखी है, एक्चुअली इसको हम पूरा पहले पॉजिटिव कर लें, λ³ - 7λ² + 11λ - 5 = 0 लिखा है। तो देखो लैम्डा की जो भी वैल्यूज यहां पर आएंगी उनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो ये तो हमने बताया क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है, लेकिन इसका एक तरीका और भी है, उसको हम यहाँ पर सिंपल सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो सबसे पहला टर्म तो λ³ आएगा, देखिए हमने λ³ लिख लिया माइनस, इसके लिखा ट्रेस ऑफ ए इंटू λ²
ठीक है, प्लस देखो अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, पहला पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव रहेगा। ट्रेस ऑफ है क्या होता है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। देखो 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, देखो लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर देखो यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब अगला कैसे निकालते हैं, अगला क्या करेंगे, हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, हम कोफैक्टर निकालेंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट लिखे उनका सम लिखेंगे, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा और आएगा माइनस में आ जाए। देखो लैम्डा स्क्वायर क्या लैम्डा हो गया, माइनस आएगा मॉड ए इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है। अच्छा, ये सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालें उसको समझना। वैसे पहले 2 के लिए निकालना आपने को, तो ये कॉलम ये हट जाएगा, कितना आया 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, ध्यान देना ये आ गया 4। अगला देखें 3 के लिए निकाले, ये रो और ये कॉलम हट गया तो आ गया 4 - 1 कितना आ गया 3, ले दिया +3। ठीक, अगला लिखो 2 के लिए, ये रो ये कॉलम हट गया तो आ गया 6 - 2 कितना आ गया 4, तो +4 लिख लिया उसको। देखे जहां से 11 बन गया, ये 11 ही आ गया। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो उसको निकाल लेंगे। अब लास्ट बचा मॉडे, मॉडे निकालना सबको आता है, पर फिर समझ रहे यहां देख ले कि मॉडे कितना आ रहा, ध्यान देना। अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए मॉडे निकालो तो मॉड सबको निकालना, एक बार फिर चेक कर लो, 2 × आएगा 6 - 2 = 4 आ गया, -2 × जब करोगे तो आएगा 2 - 1 = 1 आ जाएगा, और प्लस लिख लेंगे 1 तो 1 करो 2 - 3 आ जाएगा -1। अब देखें ध्यान से कितना आ रहा है, 8 - 2 - 1 - 3 यानी 8 - 3 = कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि मॉड ए इक्वल टू 5 आया। सबसे इंपॉर्टेंट सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अगर आप इसको निकालना समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि इतना सब कुछ आप करो। ठीक है, तो ये हुआ किसी क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है निकल आया। अब देखें लैम्डा की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू देखें कैसे निकालते हैं इस प्रोग्राम में, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर देखते हैं इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यूज निकालें और उन्हीं को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, जरा देखें कि किस तरह से निकालेंगे, तो मैट्रिक्स हम लोग हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि आइगन वेक्टर भी अपने को निकालने होंगे इसलिए। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो आई थी वो आई थी लैम्डा क्यूब -7 λ² + 11 λ - 5 = 0, ये इक्वेशन थी। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन कोई भी दी जाए इसको सॉल्व करने का तरीका सबको खैर पता ही नहीं, पर फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में तरीका होता है कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो 1, 2, 3 -1, -2 माइनस कोई भी एक वैल्यू रख लो, 1 रखो, 1 रखने को 1 - 7 + 11 - 5 = क्या होगा 0, हो गया ना सेटिस्फाई कर दिया। नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 यदि लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो था ध्यान देना उसने सेटिस्फाई किया, जिसका एक तरीका और बताते हैं कि हम दो वैल्यू कैसे निकालें, जो वैल्यू सेटिस्फाई करे उसको यहां लिख लो। ठीक, अब इसके सारे कोफिशिएंट लिख लो, 1 - 7 - 11 - 5। मान लो यहाँ पे लैम्डा नहीं होता, सपोज होता है क्वेश्चन लैम्डा क्यूब -7 λ² - 5, कोई वैल्यू नहीं होती उसका क्वेश्चन 0 रखते। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहां हमेशा 0 ही रखेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो। इसको फिर ऐड करो कितना आया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आया यहां लिख दो, इसको ऐड कर दो कितना आएगा -6, फिर इस 1 को इस -6 से मल्टीप्लाई करो दिया आएगा -6, इसको ऐड करो कितना आएगा 5, इस 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो यहां आएगा 5, इसको ऐड कर दो कितना आएगा 0, ध्यान देना लास्ट वाला हमेशा 0 आ जाएगा, लास्ट वाला हमेशा 0 आएगा। तो हमारे पास जो 0 आया उसको छोड़े देखो, 3 कोफिशियंट अपने पास मिल गए यहां पर, बोले एक लैम्डा स्क्वायर का कोफिशियंट है, एक लैम्डा का है और एक कॉन्स्टेंट है, इसको लिख लिया हमने। इतना करने के बाद जरा इसका फैक्टर कर लो, लैम्डा स्क्वायर -5 λ - λ + 5 = 0 हो गया, तो लैम्डा यहां से अब आप कॉमन कर लो तो लैम्डा -5 आएगा, -1 कॉमन करो लैम्डा -5 = 0 आ जाएगा, यानी लैम्डा की आपको मिल गई यहां पर से 3 वैल्यूज, तो लैम्डा की वैल्यू मिली 1, 1 और एक मिल गया 5। देखो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई 1, 1, 1,
वन 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 और फाइव, इन्हीं को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ये हमारे पास बन गए इसकी आइगन वैल्यू, क्लियर। अच्छा कुछ थोड़ी सी एक दो चीज और ज्योतिष देख ले कि कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ये मैट्रिक्स हमको दी गई और हमसे कहा जाता है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम निकाल दो। अब ये तो सबको पता है 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी तीन आइगन वैल्यूज होंगी। तो पहली आइगन वैल्यू लैम्डा वन, दूसरी लैम्डा टू, इसी लैम्डा थ्री का सम अगर निकालना हो कभी भी तो इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। पहली चीज, कभी अगर पूछा है मल्टीप्लीकेशन निकालो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, ये पूछा गया मल्टीप्लीकेशन निकालो तो इसको लिखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हाँ जेरा तुरंत निकल आएगा, अगर तीनों का सम वैसे निकालो तो कितना आएगा, सेवन आएगा, फाइव प्लस वन प्लस वन तो याद है तो टू प्लस थ्री प्लस टू कितना होगा सेवन। अच्छा मॉड तो अभी हम निकाल चुके हैं ना, इसके पहले जब यहां मॉड सॉल्व किया था हमने तो मॉड कितना आया था फाइव, देखो फाइव मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इनका। तो ये भी ध्यान ना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स देकर पूछेंगे कि इनकी तीन आइगन वैल्यू उनका सम निकालो और उनका मल्टीप्लीकेशन निकालो, क्लियर। ये आ सकता है पेपर, इसलिए बोलना इसको आप पढ़ना ध्यान से। अच्छा अब आते हैं कि इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाए, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे और हर आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ सारी वैल्यू डिफरेंट है तीनों के आइगन वेक्टर्स, अभी आइगन वेक्टर कैसे निकालना है उसको दिमाग रखो यहां से, उसको हम पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, या फाइव के लिए जो डिफरेंट उसके लिए पहले निकाल लो, ठीक। तो ये तो सबके पास इतना हो गया ना, इसको आप नोट कर लेना, आगे हम आते हैं कि किस तरह से हम इसमें, ठीक है यहां से नोट करना। हम देखें लैम्डा इक्वल टू फाइव के लिए पहले आइगन वेक्टर निकालते हैं, इसको मैं यहां हटा दे रहे हैं, ध्यान देना, ठीक। सबसे पहले हम यहां लेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू फाइव के लिए आइगन वेक्टर कैसे आप निकालो। देखो आइगन वेक्टर निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर जीरो लिखेंगे। यहां पर एक्स ही हमारा कहलाता है आइगन वेक्टर, और ध्यान आइगन वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो पहले ए माइनस लैम्डा आई लिखें, टू माइनस लैम्डा टू वन वन, थ्री माइनस लैम्डा वन वन टू टू माइनस लैम्डा लिख लिया, एक्स को लिखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। और ध्यान दो इससे हमारी तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू फाइव के लिए पहले बना रहे हो ना, लैम्डा टू फाइव इसमें रखो पहले आप, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू फाइव, देखो क्या बनेगा, फाइव रखा तो आ गया माइनस थ्री, पहले बनाते तीन इक्वेशन अपने पास यहां बनेगी, तीनों इक्वेशन पहले बना लो आप, क्या बनेगी देखो ध्यान से। यहां पर पहली इक्वेशन बनेगी माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, दूसरी बनेगी एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो, अगली इक्वेशन एक्स वन टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। इस तरह से आप तीन इक्वेशंस पहले यहां पर बना दें। अब देखो इनको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इन दो इक्वेशंस को लेते हैं हम लोग पहले फर्स्ट सेकंड को, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, जब सोल्यूशन आ जाए उसको थर्ड में रख के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है ठीक है तो के का मान हम रख करके और वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहला ध्यान देना आप, यहां पर हम सबसे पहले जो फर्स्ट टू इक्वेशन लिखी है उनसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो तरीका क्या होता है, सिर्फ सोचने में फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, देखो कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले कहा है एक्स वन लिखो एक्स टू लिखो और एक्स थ्री लिख लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तरीका ये होता है सॉल्व करने का, ध्यान देना। सबसे पहले एक्स टू के कोफिशियंट लिख लो आप टू माइनस टू, फिर एक्स थ्री लिख लो वन वन, फिर एक्स वन लिखो माइनस थ्री वन, और दोबारा इनको फिर से यहां रिपीट कर दो टू माइनस टू, सॉल्व करो। देखो टू माइनस बीच में होगा प्लस टू कितना आ जाएगा यहां पर फोर आ जाएगा, वन फिर माइनस माइनस थ्री कितना आ जाएगा फोर, ए भी आ जाएगा, सिक्स माइनस टू ए भी कितना आएगा फोर आ जाएगा, चौदह फोर को आप कैंसिल कर लो ये कैंसिल जाएगा वन वन वन, ठीक है। इसका एक्स वन बराबर आ गया आपके
एक्स टू भी आ गया के और एक्स थ्री भी आ गया के, जो वैल्यूज आएंगी पुट इन इक्वेशन थ्री। जब इसको थर्ड इक्वेशन में आप रखोगे तो रख के देखोगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रखो के प्लस टू के माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई हो रहा ना। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर थ्री, इस नंबर थ्री इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो आप सबने पढ़ा होगा कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है उसके सोल्यूशन हमको जरूर मिलेंगे। ठीक है, सोल्यूशन मिलेंगे तो ध्यान दो सोल्यूशन क्या बनेंगे, के का मान ज्यादातर जगह हम लोग वन रखते हैं, कारण क्या, अगर मान लो के का मान वन ना रखे टू रख लेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से टू टू टू, फिर करके वन वन आ जाएगा हमेशा, इसलिए के की लीस्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, तो के बराबर वन रखेंगे तो देखोगे इक्वेशन थ्री सेटिस्फाई बाय एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पुट के इज इक्वल टू वन, के वन रख लोगे सो आइगन वेक्टर हमारे पास ही आ गए फॉर लैम्डा इक्वल टू फाइव। लैम्डा इक्वल टू फाइव का आइगन वेक्टर हम लिखे तो सबको समझा साफ साफ आ रहा क्या, वन 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 वन, तो ध्यान रखना इसी अच्छा, जब भी आइगन वेक्टर लिखे हैं तो हमेशा कॉलम में लिखे जाएंगे वन 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 इस तरह लिखेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू फाइव के लिए आपने आइगन वेक्टर निकाल लिया और ये आ गया वन वन वन। ये बात सबको समझ आ गई, क्योंकि देखो ये हमने कहा ना जब कभी आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी डिफरेंट मिल जाए, वन टू थ्री मिल जाए, वन फोर फाइव मिल जाए, टू थ्री फोर मिल जाए, ऐसा कुछ मिलेगा, तो यही तरीका रहेगा सभी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालने का। अब जो वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी उनके लिए क्या करना है वो ध्यान से देखो आप। ठीक, अब हम क्या करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए इसके आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, उसको जरा आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जरा आगे। लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए हम आइगन वेक्टर निकालते हैं कैसे आगे ध्यान देना। अब लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए, देखो लैम्डा इज इक्वल टू वन, जब यहां वन रखोगे तो ये आएगा वन टू वन वन टू वन वन टू वन। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना, जब कभी आइगन वैल्यू सेम मिलेगी तो उनके आइगन वेक्टर हमेशा डिफरेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन अब बार बार नहीं, इसको तरीका है निकालने क्या है, तो वन अगर दोबारा रखोगे तो यही तो मैट्रिक्स बनेगी दोबारा, इसे कोई फायदा नहीं दोबारा लिखने का। एक मेरा देखो इसकी इक्वेशन हमारी बनी क्या, इसको हम यहां लिख लेते हैं, इक्वेशन बनेगी एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू क्या बन जाएगी जीरो। और देखो सारी क्वेश्चन वही सेम बन रही है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत इसको नहीं है, यानी कि देखो इन क्वेश्चन को बड़ा क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन यहां बनाते हैं तो हमें पता है कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर तीन क्वेश्चन का सेम बन जाएंगे, तो इसको हम इसको चाहेंगे कि हम लोग जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एक तरीका समझना करना क्या इसके लिए, सॉल्व करने का तरीका देखो ये है कि एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो लिखा, पहले क्या करो पुट एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना जहां आइगन वैल्यू आपको सेम मिल जाए। अगर एक्स थ्री जीरो पुट कर दोगे तो एक्स वन प्लस टू एक्स टू जीरो आ जाएगा, एक्स वन आएगा माइनस टू एक्स टू आ जाएगा, देखो इसके कोफिशियंट को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, और जो इसका कोफिशियंट है उसको इसके नीचे ले आओ, और एक्स थ्री तो ऑलरेडी अपने पास था कितना जीरो, तो अगर उसमें के मान ले तो माइनस टू के वन और जीरो के आ जाएगा, के का मान हमेशा वन ही रखते हैं। तो देखा आपने फॉर लैम्डा इक्वल टू वन इसका आइगन वेक्टर अपने को मिल गया माइनस टू वन और जीरो, तुमको एक तो निकल आया। दूसरे वाले के लिए करेंगे, दूसरे वाले के लिए इसी इक्वेशन में पुट एक्स टू इक्वल टू जीरो, अगेन फॉर लैम्डा इक्वल टू वन पुट एक्स टू इक्वल टू जीरो। देखो एक्स टू जीरो पुट करोगे तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो आएगा, यानी कि एक्स वन बराबर आएगा माइनस एक्स थ्री। देखो फिर वही तरीका, इसका कोफिशियंट इसके नीचे गया हो, ये आ जाएगा एक्स वन अपॉन माइनस वन, क्योंकि एक्स टू तो जीरो ही था, एक्स टू अपॉन जीरो और एक्स थ्री अपॉन आ जाएगा वन। फिर देखो इसमें सिंपल है, अब जो हमें कोफिशियंट यहां मिले हैं वही हमारे आइगन वेक्टर जाएंगे, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू वन इसका आइगन वेक्टर बन गया यहां पर माइनस वन जीरो और
तो ये तरीका था किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आइगन वैल्यूज पता है तो उनके आइगन वेक्टर्स को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा बस एक लास्ट सिंपल बता दें, अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी उसको जरा और देख लेंगे, वहां कई बार फंस जाता है, और अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने को आ जाता है। एक प्रॉब्लम कर लेंगे इसके अंदर, उसको सॉल्व करके जाते हैं क्वेश्चन करना किस तरह से बनेगा। ठीक है, एक 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ही निकाल के आपको हम बताते हैं। एक प्रॉब्लम इसका ले लेते हैं, बताते हैं सॉल्यूशन कैसे करना आपको। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मैट्रिक्स हमने लिया 3, 4, 4, -3। जैसे हमने बताया कि पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो पहले उसके लिए हम a माइनस लैम्डा आई ले लें, इसका मॉड ले लें 3 -λ 4, -3 -λ, इसको लिख लिया। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, 0 पुट करो उसको, ये आ गया 3 -λ, -3 -λ, -16 = 0। चलो सॉल्व करें, -9 + 3λ, -3λ प्लस लेमडा स्क्वायर -16 = 0। देखो ये आ गया लेमडा स्क्वायर -25 × 3λ, कट गया लेमडा स्क्वायर -25, लेमडा इज इक्वल टू आ गया +-5। आपने देखा आइगन वैल्यू आ गई +5 और दूसरी कितनी आ गई -5। तो लैम्डा के हमने देखा यहां से आइगन वैल्यूज अपने भूल गए +5 और -5। आइगन वैल्यूज आर λ1 = 5 एंड λ2 = आ गया -5। ठीक है, अच्छा देखो इसमें सिंपल बात थी, अगर हम इस क्वेश्चन में कहते कि भाई 2x2 मैट्रिक्स का जो हमने क्वेश्चन निकाले तरीका बताया था उस तरह से करें, तो तरीका बड़ा सिंपल है। देखेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टू लेमडा प्लस देखेंगे मॉड है इक्वल टू 0। देखो तुरंत इक्वेशन बन जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस, अगर ट्रेस ऑफ ए निकालो देखो 0 है कि नहीं, ऐड करो उसको 0 टू लेमडा और प्लस इसका मॉड निकालोगे तो मॉड बड़ा क्लियर है। देखें -9 -20 -16 -25। अब देखो ध्यान से लेमडा स्क्वायर -25 = 0 इक्वेशन बन गया ना। तो एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी ना इस तरह से बन सकता है। अच्छा अब आते हैं इनके आइगन वैल्यूज तो निकल आए, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए आइगन वेक्टर निकालें, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 a - λ i (x) लिख लेंगे 0। तो पहले a - λ i लिखो 3 - λ 4 4 -3 - λ (x1, x2) लिख लिया बराबर 0, 0 लिख लिया। चलो लेमडा इक्वल टू 5 पहले ले लें, फॉर लेमडा इक्वल टू 5। तो देखो जब 5 रखोगे आप कितना आएगा ध्यान दो, यहां 5 रखो ये आ गया -2 4 4 और यहां से रखो जरा 5 तो -8 आ जाएगा। अब देखो यहां से जो इक्वेशन यहां लिखी गई है अगर दोनों इक्वेशन को सेम आ रही है 2x1 + 4x2 = 0 4x1 - 8x2 = 0। अगर देखो यहां से 2 कॉमन कर ले या -2 कॉमन कर ले तो वही बनेगा -2x1 + 4x2 = 0। हमेशा ध्यान में जब कभी 2x2 मैट्रिक्स को आइगन वेक्टर निकालोगे किसी भी आइगन वैल्यू के लिए ये बिल्कुल सिमिलर तरीका होता है, ये दोनों इक्वेशन हमेशा सेम ही मिलेंगी। और उसका बड़ा इजी तरीका है फिर आप सीधा एक इक्वेशन कोई सी भी ले लो 2x1 + 4x2 = 0 हमने ले लिया। ठीक है, इसको ठाक उधर ले लो, ये आ गया -2x1 = -4x2 4 को -4 को इधर नीचे और 2 को इधर ले जाओगे तो x1 = आएगा 4 और x2 = आएगा 2। अभी माइनस में आएगा माइनस माइनस हटा देना कैंसिल कर ला, 2 1 भी ले सकते हो उसको कैंसिल, 2 से -2 से कैंसिल कर लो तो यहां बन जाएगा इसको इससे ले सकते हो कि x1 upon 2 और x2 upon 1। तो आप देखो ध्यान से λ = 5 के लिए आइगन वेक्टर अपने को मिल गया 2, 1।
ठीक है। इसी तरीके से माइनस फाइव पहले आप निकाल लोगे तो बात समझ आ गई, माइनस फाइव रखोगे यहाँ पर तो भी दो इक्वेशन सेम बनेगी, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से आप इसके आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हो। क्लियर, ये था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किस तरह निकाले जाएंगे किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें एक केले-मिल्टन थ्योरम दिया गया, हालांकि वो पार्ट थोड़ा सा इजी है तो एक नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे, नहीं तो आप इतना कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो इसका होगा केले-मिल्टन थ्योरम को किस तरह सॉल्व करना। ओके।